जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लोकल टाइम यानी स्थानीय समय, और आज इस टॉपिक में हम देखेंगे कि स्थानीय समय की गणना कैसे की जाती है, साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि सूरज हमारे सामने से घूमता हुआ चला जा रहा है, हम दैनिक जीवन की बात करें, लेकिन अगर वास्तविक स्थिति बताएं तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमती है। पृथ्वी आप देख रहे हो, पृथ्वी अपने एक्सिस पे अक्ष पे गोल गोल घूमती है और सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। लेकिन हम दैनिक जीवन में देखते क्या है, दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि सूरज कहीं से आया तो सुबह हुई, और आगे बढ़ा तो दोपहर हुई, सूरज और आगे बढ़ा तो शाम हुई, और फिर और आगे निकल गया तो रात हो गई। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। पहले हम दैनिक जीवन में जो वास्तविकता में हम अनुभव करते हैं उसको देख के हम आगे बढ़ेंगे, फिर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो वास्तविक कॉन्सेप्ट है वो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि ये कोई जगह है, ये कोई जगह है और कहीं पे सूरज घूमता हुआ यहाँ पे आया, सूर्य भगवान कहीं से घूमते हुए आए तो हल्की सी रोशनी हुई जिसे आप भोर कहते हो, अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पे बज गया सुबह के चार। अब सूरज तो यहीं रहेंगे नहीं, एक घंटा लगा के समय लेके सूर्य भगवान यहां से यहां चले आए। तो अगर यहां से यहां चले आए, यहां से आने में एक घंटा लग गया है, लेकिन जहां पे आए हैं वहां पे भी क्या होगा, सुबह के चार बजे होंगे। यहां से निकले एक घंटा लग गया है, तो जहां से निकले हैं वहां पांच बज गए होंगे। फिर सूर्य भगवान एक घंटे का समय लेके और आगे बढ़ गए, यहां पहुंच गए, तो यहां पे सुबह हुई होगी, इस जगह पे सुबह हो गई, सूर्य भगवान आ गए, तो पहले वाली जगह पे पाँच बज गया और पहली वाली जगह पे छः बज गया। सूर्य भगवान और एक घंटा लेके और आगे बढ़ गए, तो यहाँ चार बजा होगा, यहाँ पे पाँच, क्योंकि एक घंटा समय लिए है, यहाँ क्या हुआ पाँच, और पहले छः, और यहाँ क्या हो गया होगा सात। आप देख रहे हो सॉरी, सूर्य भगवान जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे टाइम बदलता जा रहा है। ठीक, अब दोस्तों आप इस बात को अच्छी तरह जानते होगे और रीजनिंग पढ़ते हो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक, यानी इस लाइन के इधर पूरा क्या है ईस्ट, और इस लाइन के इधर पूरा क्या है वेस्ट यानी पश्चिम। ध्यान रखिएगा, टाइम से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहीं टाइम दिया होता है और कहीं टाइम पूछा जाता है। ठीक, अब मान लीजिए जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये कुछ टाइम दिए हैं और कहा जा रहा है कि इस लाइन पे, इस लाइन पे एक शहर है और इस लाइन पे पाँच बज रहे हैं, इस लाइन पे एक शहर है और यहाँ पे पाँच बज रहे हैं, तो यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा। बेशक आपको टाइम लिख के दिखा दिया हूँ, पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा यानी इस लाइन पे क्या टाइम हो रहा होगा, या यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा यानी इस लाइन पे क्या टाइम हो रहा होगा। यदि इस लाइन पे पाँच बज रहे हों तो आप दोस्तों देखिए कि इस जगह से आप अगर यहाँ जाए तो टाइम आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक, यानी इस टाइम में आप कुछ अगर जोड़ दो, यानी दिए गए टाइम में कुछ जोड़ दो तो ये टाइम आ जाएगा जो आठ है। ठीक, उसी तरह से अगर इधर जा रहे हो तो आपको दिख रहा है कि टाइम घटता जा रहा है, यानी इस टाइम में से कुछ घटा दोगे तो ये टाइम आ जाएगा, टाइम घटा दोगे, ये दिए गए टाइम से कुछ टाइम घटा दोगे तो ये टाइम आ गया। अब किधर गए, जहाँ आप खड़े हो यानी जहाँ ये शहर है, इस जगह से कोई जगह पूरब में होगी और कोई जगह पश्चिम में। तो ये आठ वाली जो लाइन दिख रही है आपको, आप देखिए इस जगह से पूरब में है, और ये जो दो वाली लाइन दिख रही है इस जगह से क्या है पश्चिम में है। यानी अगर आप पूरब में अपनी जगह से बढ़ रहे हो तो टाइम में क्या करना पड़ रहा है, प्लस करना पड़ रहा है, और पश्चिम में जा रहे हो तो टाइम में क्या करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो भी क्वेश्चन दिया होगा, जहां टाइम दिया होगा, यानी उस जगह से अगर हम पूरब जाएं, ईस्ट जाएं, तो टाइम में प्लस करना पड़ेगा, अगर उस जगह से हम वेस्ट जाएं तो टाइम में माइनस करना पड़ेगा। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, और अभी क्वेश्चन जो सॉल्व करूंगा उससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
चलिए, तो आपकी पूरे ग्लोब को, आपकी पूरी पृथ्वी को 24 घंटा होता पूरे पृथ्वी में, तो एक एक घंटे के हिसाब से पूरे ग्लोब को 24 यूनिवर्सल टाइम जोनों में बांटा गया है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ये फैक्ट लिख दिया हूँ मैं आपके लिए कि पूरी पृथ्वी को कितने यूनिवर्सल टाइम जोन में बांटा गया है, तो 24 यूनिवर्सल टाइम जोन में बांटा गया है। अब देखिए दोस्तों, ये आपकी पृथ्वी अपनी धुरी पे जो एक चक्कर लगाती है, आपकी पृथ्वी अपनी धुरी पे जो एक चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर लगाने में पूरा क्या हो जाता है, 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पे एक चक्कर लगा लेती है 24 घंटे में, क्लियर। और एक चक्कर लगाने का मतलब भी कितना हो गया, 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में आपकी पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, पहली बात। और एक चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री घूमना, यानी आपकी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अब आपसे कहा जाए आपकी पृथ्वी एक घंटे में कितना घूमेगी, तो आप क्या करोगे, 24 से 360 में भाग दे दो तो क्या आ जाएगा, 15 डिग्री, यानी आपकी पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। लेकिन आपको पता है एक घंटा बराबर 60 मिनट भी होता है, 60 मिनट, यानी आपकी पृथ्वी 60 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है, 15 डिग्री। तो एक घंटा कहा जाए या 60 मिनट कहा जाए, बात बराबर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी पृथ्वी एक डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, एक डिग्री घूमने में, तो आप क्या करोगे, 15 से 60 में भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 मिनट, यानी आपकी पृथ्वी 4 मिनट में एक डिग्री घूम जाती है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक, एक घंटे बराबर 15 डिग्री और 4 मिनट बराबर एक डिग्री, ठीक। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि अगर दिए गए टाइम से पूरब में आप जाओगे, दिए गए टाइम से अगर आप ईस्ट में जाओगे, पूरब में जाओगे, तो टाइम में क्या करना होगा, आपको प्लस करना होगा, जो भी यहाँ टाइम दिया होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अगर दिए गए टाइम से आप पश्चिम में जाओगे, पश्चिम में जाओगे, तो टाइम में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर इतनी चीज समझ गए तो सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ठीक। अब देशांतर रेखाओं का एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक। देखिए, ये आपकी पृथ्वी है, ग्लोब है, और ये उत्तरी ध्रुव और नीचे ये दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली सभी लाइनों को कहा जाता है देशांतर रेखा, ये आपको पता है। अब देखिए, इसमें ये वाली जो लाइन है ये जीरो देशांतर की लाइन है, और ये लाइन आपको दिख रहा है कि आपके ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दिया, एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया, दो बराबर भागों में बांट दिया। तो इसके पूर्वी भाग को कहा जाएगा पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्या कहा जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, और इसके पश्चिम वाले भाग को कहा जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए, पूर्वी गोलार्ध में जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी उन्हें क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर, और पश्चिमी गोलार्ध में जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी उन्हें क्या कहा जाएगा, पश्चिमी देशांतर। बात क्लियर, अब ये चीज ध्यान रखिएगा, पूरी कहानी क्लियर है अब आपकी। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 2 बज रहे हों तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या टाइम हो रहा होगा। चलिए, आप जानते हो ग्रीनविच मतलब जीरो देशांतर की लाइन, जीरो देशांतर की लाइन ही क्या होती है, ग्रीनविच लाइन होती है। और इस पे कहा जा रहा है दोपहर के 2 यानी 2 पीएम। अब पीएम और एएम के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये रात का 12 है और ये नीचे जो लिख रहा हूं ये दोपहर का 12 है। तो रात के 12 से दोपहर के 12 को कहा जाता है एएम, रात के 12 से दोपहर का 12 यानी 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM करते करते हम 12 आए, ठीक। और दोपहर के 12 से रात के 12 को कहते हैं PM, 1 PM, 2 PM, 3 PM करते करते 12 बजे रात तक आ गए। AM मतलब एंटी मेरिडियन और PM मतलब पोस्ट मेरिडियन, ठीक।
और एग्जैक्ट दोपहर के बारे को, एग्जैक्ट दोपहर का 12 बज रहा है तो इसे कहा जाएगा पीएम। तो दोपहर के बारे को हम क्या कहते हैं? पीएम। और रात के बारे को हम कहते हैं एएम, यानी एंटी मेरिडियन। ठीक, अब फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 2 बज रहे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर क्या टाइम हो रहा होगा? तो जीरो तो न्यूट्रल है और यहाँ लिखा है पूर्वी, तो इसके पूरब में ही ये होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ टाइम दिया गया है और जहाँ टाइम पूछा गया है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में कितने देशांतर रेखाओं का अंतर है ये निकालेंगे। तो भाई देखिए, इधर जीरो है और इधर 45, तो आपको सीधे से मिल गया कि 45 देशांतर रेखाओं का अंतर है यहाँ पे। बात क्लियर? अब आपको पता है आपकी पृथ्वी एक घंटे में जाती है 15 डिग्री, एक घंटे में जाती है 15 डिग्री, तो 45 डिग्री जाने में कितना समय लगेगा? तो आप क्या करोगे, 15 से 45 को भाग दे दीजिए, तो 15 + 45 हो गया, तो 3 घंटा हो गया। ये क्या आया? 3, और ये कितना आ गया? 3 घंटा। ठीक, इसको दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हो। आपको पता है 1 डिग्री = 4 मिनट होता है, तो 45 डिग्री बराबर, तो 45 में आप 4 का गुणा कर दो, ठीक, तो आ जाएगा 180। ठीक, 520, 416, 2 18, ठीक 180 आ जाएगा। अब क्या करोगे, ये 180 क्या है? मिनट है। अब इसको अगर घंटे में बदलना होगा तो आप 60 से भाग दे दोगे, तो 60 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा 3, यानी 3 घंटे। तो चाहो तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है और इसमें थोड़ा कैलकुलेशन छोटा है, बस इतना अंतर है। आप जिस विधि से समझना चाहो उससे समझ दो। ठीक, अब देखिए, जहां टाइम दिया गया है, इस जगह पे आप खड़े हो, तो इस जगह से 45 डिग्री कहाँ पड़ रहा है? पूरब में पड़ रहा है, यानी आप कहाँ जा रहे हो? ईस्ट की ओर जा रहे हो। अगर ईस्ट में जाओगे तो टाइम में क्या करना है, अभी भी बताया हूँ, टाइम में प्लस करना है। किस टाइम में? जो टाइम दिया है। और कितना प्लस? जो कैलकुलेशन करने पे आया, यानी 3, यानी 2 में 3 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ क्या होगा? 5। ठीक, अब बात आती है पीएम या एएम। अगर हम 12 को क्रॉस कर जाते तो एएम में चले जाते, लेकिन अगर हम 12 को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? ये पीएम। ठीक, तो ये आ गया आपका आंसर 5 पीएम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो ये लिखा 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर के 3, यानी 3 पीएम हो रहा है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या टाइम हो रहा होगा? यानी 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर क्या टाइम हो रहा होगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या टाइम हो रहा होगा? अब देखिए, दोनों में ही पूर्वी देशांतर लिखा है, यहाँ 20 लिखा है और यहाँ 82.5। अब मैं इस तरह क्यों लिखा? तो इधर क्या होगा, कहीं जीरो होगा, जीरो के पूरब में 20 और इसके और पूरब में क्या हो जाएगा? 82.5। अब देखिए, आपको करना क्या है, जहां टाइम दिया गया और जहां टाइम पूछा गया, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। तो आपको क्या करना होगा, 82.5 में से 82.5 में से 20 हटा देना है। ठीक, क्या आ जाएगा? 62.5। भाई जहां टाइम दिया है और जहां टाइम पूछा गया, इसमें दोनों के बीच में कितने देशांतर का अंतर है, तो क्या करोगे, 82.5 में से 20 घटा दोगे तो 62.5 आ गया, 62.5 आ गया। और अभी बताया हूं, जो भी माइनस करने के बाद आए उसमें आप क्या करोगे, 15 से भाग दे दोगे। आप क्या कर रहे हो, 15 से भाग दे रहे हो, 15 से भाग दिया तो 15 + 60, क्या शेषफल बच गया? 2। ठीक, तो ये 4 घंटे तो आ गए, लेकिन ये 2 डिग्री बच गया, और 15 से 2 में भाग नहीं जाएगा। लेकिन आपको पता है 1 डिग्री = 4 मिनट, 1 डिग्री = 4 मिनट, तो 2 डिग्री = कितना होगा? 1 डिग्री = 4 मिनट, तो 2 डिग्री = क्या हो जाएगा? 8 मिनट।
सिंपल सी बात है। तो यहाँ क्या करोगे, दो में चार का अगर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 मिनट। तो इस 62 का कहानी तो हो गया, लेकिन ये जो आधा है ये भी तो है। तो अगर एक डिग्री बराबर 4 मिनट होता है तो आधा डिग्री बराबर कितना होगा, 2 मिनट। एक डिग्री बराबर 4 मिनट तो आधा डिग्री बराबर 2 मिनट। यानी अब इस आधे की कहानी की जाए तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 मिनट। यानी 4 घंटे 10 मिनट का डिफरेंस आ गया इस जगह से लेके इस जगह के बीच में, 4 घंटे 10 मिनट का। इसको दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हो, 62.5 में आप क्या करोगे, 4 का गुणा कर दोगे और जो भी आएगा उसमें 60 से भाग दे दोगे तो 4 घंटा 10 मिनट ही रिजल्ट आएगा। ठीक, अब आ गया 4 घंटा 10 मिनट। अब इस जगह से आप पूरब में जा रहे हो कि पश्चिम में, आप देखिए इस जगह से कहाँ जा रहे हो, पूरब में जा रहे हो, आपको तो डायरेक्शन आता ही है। पूरब कौन होगा, पश्चिम, आराम से बता दोगे। जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे, इस जगह से आप कहाँ जा रहे हो, पूरब में जा रहे हो। इधर जाते तो पश्चिम होता, लेकिन इधर जा रहे हो तो क्या होगा, पूरब। अगर पूरब जाओगे तो टाइम में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। किस टाइम में, जो टाइम दिया गया है। अब इसमें कितना प्लस करना है, 4 घंटे 10 मिनट। तो 4 घंटे 10 मिनट प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 7 घंटे 10 मिनट। अगर हम 12 को क्रॉस कर जाते तो एम होता, लेकिन 12 को नहीं क्रॉस कर पाए तो यहाँ पीएम होगा, यानी 7 पीएम। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है 82.5 पे क्या होगा, 7:10 PM आंसर आ गया। कितना आसान सा है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 9 PM हो रहा हो तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा। देखिए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर 9 PM हो रहा है तो 15 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर क्या टाइम हो रहा होगा, ये क्वेश्चन निकालना है भाई। इधर कहाँ होगा, इधर कोई जीरो होगा तो आगे बढ़ देगा, 15 आया, 15 से बाद 80 आया। ठीक, और दोनों पूर्वी ही देशांतर दिया हुआ है। सबसे पहले क्या काम करना है, जहाँ टाइम दिया गया और जहाँ पूछा गया दोनों में कितने देशांतर का अंतर, ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, 80 में से 15 घटा दो, क्या आ जाएगा, 5 और 7 में से 1 गया 6, 65। यानी इन दोनों के बीच में 65 देशांतर रेखाओं का अंतर है। अब जैसे ही 65 आ जाएगा आपको क्या करना है, 15 से भाग दे देना है। ठीक, क्यों भाग देना है, क्योंकि आपकी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री जाती है तो 65 डिग्री जाने में कितना समय लगेगा, इसलिए आप क्या करोगे, 15 से भाग दोगे, 15 चौक 60, शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर कितना आया, 5। अब 15 से 5 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 5 डिग्री बराबर, तो 5 चौक का 20 मिनट हो गया। यानी 4 घंटे 20 मिनट का डिफरेंस है इस जगह से इस जगह के बीच में, कितना, 4 घंटे 20 मिनट का। बात क्लियर। अब आप इस जगह से पूरब जा रहे हो इस जगह से कि पश्चिम, तो इस जगह से कहाँ जा रहे हो, पश्चिम में जा रहे हो। बेशक यहाँ पूर्वी देशांतर लिखा है, लेकिन जहां आप खड़े हो यानी जहां टाइम दिया है उस जगह से तो देखा जाना है ना कि पश्चिम जा है कि पूरब में है। तो ये कहाँ पे है, पश्चिम में है, और पश्चिम में है तो अभी क्या बताया हूँ, जहां पश्चिम में है तो टाइम माइनस करना पड़ेगा, दिए गए टाइम में क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 9 में से हमको 4:20 माइनस करना है। अच्छा, हम 9 को लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 8 घंटे 60 मिनट। भाई 9 को हम लिख सकते हैं ना 8 घंटे 60 मिनट, और 8 घंटे 60 मिनट में अगर 4 घंटे 20 मिनट माइनस कर दिया जाए तो ये हो गया 40 और ये हो गया 4। यानी यहाँ क्या टाइम आएगा, 4:40। और अगर हम 12 क्रॉस कर जाते तो एम में होते, लेकिन नहीं क्रॉस कर पाए तो क्या होगा, पीएम, 4:40 PM। बात क्लियर। तो ये सब आसान सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, और उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप, उसका आंसर आप
कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और अगले वीडियो में उसको मैं बताऊंगा। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 5 PM हो रहा है तो क्या कह रहा है, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या हो रहा है 5 PM, तो 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या टाइम हो रहा होगा, तो कह रहा है 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर। आप लोग जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को निश्चित रख करोगे, ठीक, चाहो तो आप पॉज करके आंसर दे के देख लो, ठीक। चलिए अब देखिए मैं इसके कॉन्सेप्ट को बताता हूं। ये है हमारा ग्लोब, ठीक, ग्लोब में जीरो की लाइन, इधर पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर पश्चिमी गोलार्ध वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इधर जितनी भी लाइनें होंगी पूर्वी देशांतर होंगी, पूर्वी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर और पश्चिमी गोलार्ध में पश्चिमी देशांतर होंगी। अब मान लीजिए ये वाली जो लाइन है हमारी, ये है 40 डिग्री पूर्वी देशांतर की लाइन, ठीक, यानी इस जीरो की लाइन से, ये जीरो की लाइन है, तो जीरो की लाइन से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 40 डिग्री, ठीक, और ये जीरो है तो मान लीजिए ये वाली जो लाइन है ये 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर की लाइन है, तो जीरो से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 50 डिग्री, तो कुल दूरी कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, तो 50 और 40 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और बच्चे यहीं गलती कर जाते हैं, ठीक। इसका मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ क्या है, जीरो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40, क्योंकि ये पूर्वी देशांतर और यहाँ पश्चिमी देशांतर लिखा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50, तो कुल दूरी कितनी हो गई 90 हो गई, टोटल दूरी 90 हो गई। अब आपको 90 जब मिल गया तो 90 में क्या करना है, जैसे ही डिफरेंस मिल जाए दो देशांतरों के बीच में, जो दो जगहों के बीच में कितनी देशांतरों का अंतर है, ये जैसे मिल जाए आप क्या करोगे, टूट पड़ोगे उस पर, क्या करोगे 15 से भाग दे दोगे, 15 से भाग दिया, 15 × 90, यानी इन दो जगहों के बीच में 6 घंटे का अंतर है दो जगहों के बीच में, ठीक, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर और 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में 6 घंटे का अंतर है। अब आपको क्या करना है, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 5 PM हो रहा है, और इस जगह से आप कहाँ जाओगे, पश्चिम में जाओगे, पश्चिम में जाओगे तो आपको पता है माइनस करना पड़ेगा, वेस्ट में जा रहे हो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब 5 में से 6 कैसे घटेगा, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाया जाए। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी शाम के 5 बज रहे, ध्यान से सुनिएगा, आपसे कहूँ कि अभी शाम के 5 बज रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं, तो 5 घंटे पहले क्या टाइम हो रहा होगा, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और 5 घंटे पहले क्या टाइम हो रहा होगा, तो आप कहोगे 12 बज रहा होगा, भाई अभी 5 बज रहे हैं तो 5 घंटे पहले क्या टाइम हो रहा होगा 12 बज रहा होगा, तो ये मिल गया 12, ये 5 घंटे तो घट गया, लेकिन अभी कितना घटाना है, 5 घंटे घट गया तो अभी 1 घंटा और बच गया, तो अब क्या करोगे, इस 12 में से 1 घंटा और घटाओ, 12 में से 1 घंटा पीछे जाना है तो क्या बचेगा 11 बज जाएगा, भाई सिंपल सी बात है, अभी शाम के 5 बज रहे हैं तो 6 घंटे पहले क्या टाइम हो रहा होगा, तो 11 बज रहा होगा, सिंपल सी बात है। और ये अगर 5 PM है तो ये दोपहर का 12 है, यानी ये भी PM होगा, और 1 घंटा और पीछे आ गए तो 11 AM हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 AM, तो यहाँ क्या टाइम होगा 11 AM, ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि अगर कभी भी भारत में टाइम कहा जाए कि भारत में टाइम दिया है, मान लीजिए कहा जाए कि भारत में टाइम, भारत में इंडिया में, इंडिया में 10 बज रहा है, तो सिडनी में, यानी सिडनी जो कि 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, तो सिडनी में क्या टाइम हो रहा होगा, तो भारत कहने का मतलब हो गया कि भारत की मानक समय रेखा, और भारत की मानक समय रेखा क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत की मानक समय रेखा क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अगर 10 बज रहा है तो
तो 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या टाइम हो रहा होगा। ठीक, तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि भारत में दोपहर के 4:40 हुए हैं तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर जो कि 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है में क्या समय हो रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले जो मैं समझाया हूँ आपको समझ में आया कि नहीं आया, और इसका आंसर मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा भारत, भारत का देशांतरी विस्तार की बात की जाए, पहले भी बता चुका हूँ लेकिन या फिर देखिए, भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर पर है। अब आप देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखा जाए तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है, लगभग 30 डिग्री का, और 30 डिग्री बराबर आप जानते हो 2 घंटे होगा भाई, 15 डिग्री बराबर 1 घंटे, तो 30 डिग्री बराबर 2 घंटे, यानी आपके अरुणाचल प्रदेश और आपके गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर है। ठीक, यानी जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 10 बज रहे होंगे तो उसी समय गुजरात में सुबह के 8 बज रहे होंगे। अब इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी जरा इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हो वो सेलेक्ट हो गए हो और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है आपको, ठीक, और आपकी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में हो गई है। ठीक, तो आप जो वीडियो देख रहे हो आप सेलेक्ट हो गए हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लग गई है और आप अरुणाचल प्रदेश में आपकी नियुक्ति हुई है, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो भी सेलेक्ट हो गई है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है और उनकी पहली नियुक्ति हुई है गुजरात में। ठीक, उनकी कहाँ नियुक्ति हो गई, गुजरात में। अब आप बताइए, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कहती हैं बेबी, आप जानते हो आज के ज़माने में बेबी, लड़कियाँ लड़कियों को बेबी कहती हैं, पता नहीं क्यों कहती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कहती हैं क्योंकि मैं मेट्रो वेट्रो में अगर कभी सफ़र करता हूँ तो सुनता हूँ। तो लड़की कह रही है आपसे, यानी आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कह रही है कि बेबी आप मुझे 10 बजे फ़ोन करना जब आप अपने ऑफिस पे पहुँच जाना, और उस समय मेरे घर वाले भी ऑफिस पे चले गए होंगे और मैं छुट्टी लेके घर पे हूँ, आराम से घंटों बातें की जाएगी। ये आपकी गर्लफ्रेंड आप कहती हैं। अब आपको कहती हैं तो आप तो लबलबाए हुए हो कि जैसे 10 बजे आप ऑफिस पहुँचे वैसे ही फ़ोन करोगे, लेकिन ज़रा सोचो कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में 2 घंटे का अंतर है, तो जब आपके यहाँ 10 बजेगा तो उनके यहाँ तो अभी 8 ही बज रहा होगा, और उन्होंने अपने हिसाब से कहा 10 बजे फ़ोन करने के लिए, और आप क्या किए, अपने हिसाब से 10 बजे फ़ोन कर दिए, आप अपने हिसाब से 10 बजे ऑफिस पहुँच के फ़ोन कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड को, और उनके यहाँ टाइम हो रहा है 8, और उनके घर वाले अभी घर में ही हैं। ठीक, और उनके हाथ में लग गया मोबाइल, और आपकी सारी का आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी सारी कहानी आपके घर उनके घर वालों को पता चल गई, मामला तो सारा बिगड़ जाएगा। आप सोचो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो मामला तो बनेगा ही नहीं, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट हो, यहाँ का अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को यहाँ पे फ़ोन कर रहा गुजरात वाले को, ये 10 बजे ऑफिस पहुँच के फ़ोन कर रहा और ये 8 बजे अपने घर पे है, कैसे काम चलेगा। कोई पेपर हो रहा है एग्ज़ाम का, IAS का पेपर हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में 10 बजे लोग पेपर देने लगे, गुजरात में पेपर आउट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए माना जाता है एक मानक समय, मानक समय रेखा जिसे कहा जाता है स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ठीक, या स्टैंडर्ड मेरिडियन, और इस पे जो डिस्कशन होगा वो अगली वीडियो में होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में मिलूंगा मानक समय रेखा के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।